मैं ये समझता हूँ कि इसकी नुमाइंदगी इस मार्केट की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके वोट जो है वो पेपर का तलक रखते हैं, जिस पेपर की वजह से एजुकेशन का अमल जो है वो वसी होता है। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों में लाहौर चैम्बर्स के साथ जो प्यार है, प्याफ फाउंडर अलायंस का उनके साथ जो एक गठजोड़ है, वो उसी वजह से है कि प्याफ फाउंडर अलायंस एक बेहतरीन कैंडिडेट जो है मुहैया करती है और वो उसी को जो है सपोर्ट करते हैं, और कोई एक वोट सिंगल वोट भी जो है किसी मुखालफ ओपोनेंट ग्रुप वालों को नहीं जाता। तो आज भी ये जो है पिछले साल की निस्बत 2 गुना 3 गुना ज़्यादा पिजीराई और अप्रिसिएशन मिल रही है, लोगों का जमे गफीर आ रहा है, और ये इस चीज़ की अलामत है कि इंशाल्लाह हम इस मरतबा प्याफ फाउंडर अलायंस जो है इस इलेक्शन में बहुत बड़े मार्जिन के साथ क्लीन स्वीप करेगा। आज का फंक्शन बहुत अच्छा था और इस बात को ये जाहिर करता है कि प्याफ फाउंडर्स अलायंस की बहुत मकबूलियत है। जिस मार्केट में जा रहे हैं वहाँ पर प्याफ फाउंडर्स अलायंस के ही हक में लोग बोल रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पिछले सालों की तरह इस साल भी प्याफ फाउंडर्स अलायंस ही जीतेगी। और जो मसाइल हैं इस वक्त ट्रेडर्स को, इकॉनमी से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, जब तक हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं होगी, जब तक हम आवाज़ सही तरीके से नहीं उठा सकेंगे और गवर्नमेंट को नहीं बता सकेंगे, तब तक हमारे इशूज़ रिजॉल्व नहीं होंगे। तो हम आने वाली क़यादत और आने वाली अपनी कमेटी से भी उम्मीद रखते हैं कि इन तमाम इशूज़ को उठाएँ जो ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट फेस कर रहे हैं, ताकि इन तमाम का सदबाव हो सके। आज बड़े मशहूर है गणपत रोड पेपर मार्केट के ताजरान का, खालिद बिल्ला साहब का, कासिम वाज साहब का, कि उन्होंने हमारे एजाज़ में, प्या फाउंडर के एलाज में, उनके कैंडिडेट्स के और कायदीन के एजाज़ में एक बड़ा भरपूर जलसा का इहतमाम किया। और माशाल्लाह इधर की ताजरों की नुमाइंदगी बता रही है कि ये किसके साथ हैं, किसको वोट डालने वाले हैं। 1 to 7 पैनल पर हमारा वोट है, और हम फिर बड़े मशहूर हैं खालिद बिल्ला साहब के, कासिम वाज साहब के, उन्होंने भरपूर तरीके से हमें सपोर्ट का हमेशा हर साल करते आए हैं, और इसी तरह इंशाल्लाह अपनी जोग दर जोग वोट डालने आएंगे। मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ, इंशाल्लाह प्या फाउंडर लाइन जिंदाबाद। बस हमें एक दिन का टारगेट मिला है, अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी है, और माशाल्लाह फंक्शन ठीक हो गया, और यही है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इज्जत हमेशा रखे और हमारे अलायंस को पता नसीब करे।